इसमें लोग बात करने वाले Realme X1 Max में कब तक आपको Realme UI 3.0 वर्जन देखने के लिए मिल सकता है, और जो कि यहाँ पर ट्रायल वर्जन है Realme UI 3.0 का, इसमें जो भी लोग यहाँ पर अपडेट किए उसमें आपको एरर देखने के लिए मिलता है कैमरा से रिलेटेड इशूज यहाँ पर, तो उसे किस तरह से आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, तो जानने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेक वृंदावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं Realme X1 Max में Realme UI 3.0 वर्जन कब तक आपको देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ पर जो कि यहाँ पर Realme है, Realme ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जो कि यहाँ पर स्मार्टफोन है Realme X1 Max यहाँ पर इनरोलमेंट में चला गया है, जो भी आपको अपडेट पैकेज देखने के लिए मिलता है ट्रायल वर्जन में चला गया है, और ट्रायल वर्जन सभी यूजर को देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ पर जो भी आपका ट्रायल वर्जन है, जब कभी भी आप अपने सेटिंग में जाएंगे और सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे यहाँ पर आपको 2 डॉट या फिर 3 डॉट देखने के लिए मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरह से ट्रायल वर्जन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यदि मान लीजिए ट्रायल वर्जन अवेलेबल रहेगा तो सिंपली आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहां से आप अपना जो कि Realme UI 3.0 है इसे आप अपडेट कर सकते हैं जहां पर, तो अपडेट करने के बाद जो कि कैमरा इशू है इसे आपको यहां पर फिक्स किस तरह से करना है, यदि मान लीजिए आप यहां पर Realme UI 3.0 में अपडेट कर देते हैं तो जो कि आपका कैमरा होता है वह ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि यह ट्रायल वर्जन ट्रायल किया जा रहा है जो कि आपका Realme X1 Max इसमें ठीक तरह से काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, यदि मान लीजिए आप भी चेक करना चाहते हैं तो ट्रायल वर्जन में अपडेट कर सकते हैं, अपडेट करने के लिए जो कि हमने प्रोसेस बताया इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से अपडेट कर लेंगे, यदि मान लीजिए आप अपडेट कर दिए हैं और अपडेट करने के बाद आपको कैमरा से रिलेटेड इशू फेस करना पड़ जा रहा है तो सिंपली उसे फिक्स करने के लिए हमने यहाँ पर कई वीडियो में बताया था किस तरह से इसे फिक्स करना, जैसे कि पोको X3 प्रो में जो भी अपडेट आया था हमने बताया था किस तरह से उसे फिक्स करना है, तो इसे फिक्स करने के लिए जो कि आपका यहाँ पर प्रीवियस वर्जन था Realme UI 2.0 तो उसमें आपको लेकर के जाना होगा यहाँ पर, तो उसमें ले जाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर ब्राउजर पर चले जाना होगा और सर्च करना होगा Realme सॉफ्टवेयर जहाँ पर, तो यहाँ पर सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, और इसमें आपको यहाँ पर अपना मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेना होगा, फॉर एग्जाम्पल Realme X1 Max कुछ इस तरह से आपके यहाँ पर सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिलेगा 2-3 GB का, तो सिंपली आपको इसे डाउनलोड कर लेना होगा, और डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसे आपको अपने इंटरनल स्टोरेज में रख लेना होगा, और रखने के बाद बहुत ही आसानी से आप रिकवरी मोड में अपने फ़ोन को ले जा करके वहाँ से ऑफलाइन अपडेट कर देना होगा, अपडेट करने के बाद जो कि आपका यहाँ पर Realme 2.0 है उसमें अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद जो कि आपका कैमरा से रिलेटेड इशू आ रहा था वह सभी फिक्स हो जाएगा यहाँ पर, तो बात कर लेते हैं कब तक आपको Realme UI 3.0 वर्जन आपको स्टेबल वर्जन देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, तो सिंपली इसमें आपको 1-2 महीने या फिर 3 महीने देखने के लिए मिल सकता है, तब तक आपको यहाँ पर ट्रायल वर्जन यदि मान लीजिए यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, तो हम उम्मीद आप समझ गए होंगे Realme X1 Max में Realme UI 3.0 वर्जन कब तक आपको देखने के लिए मिल सकता है, और इसके अलावा यहाँ पर जो कि ट्रायल वर्जन है यदि मान लीजिए आप अपडेट कर दिए किस तरह से उसे फिक्स करना, इन सभी के बारे में आप जान गए होंगे, तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।